हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेस्टीज के नीम कैप्सूल के फायदे। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डाइट में नीम का यूज नहीं करते हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ आपको डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आपको वीडियो कम्प्लीट देखना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मैं नम्रता और आपका स्वागत है मेरे वेस्टीज चैनल। ये है वेस्टीज का नीम कैप्सूल जिसमें 100 कैप्सूल है। फ्रेंड्स, नीम में एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण हजारों सालों से इसे आयुर्वेद में औषधि के रूप में यूज करते आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी नीम का यूज जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये हमारे स्किन और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज है तो आपके लिए नीम एक वरदान है। नीम के डेली यूज से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं और साथ ही इसके डेली यूज से धीरे धीरे आप अपने डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नीम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये हमारे बॉडी में ब्लड को साफ करता है, यानी कि ब्लड को प्यूरिफायर करता है। बहुत सारे लोगों को ब्लड साफ नहीं होने की वजह से पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को भी डेली नीम का यूज जरूर करना चाहिए, जिससे उन्हें बहुत ही फायदा होगा। फ्रेंड्स, रोज नीम के यूज से हमारी स्किन बहुत ही साफ और क्लीन हो जाती है। स्किन में दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं, जैसे कि काले काले निशान, दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की स्किन एलर्जी है, जिसमें दाग, खुजली या स्किन रेडनेस की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी नीम के यूज से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और खुजलाहट की प्रॉब्लम है, तो आप नीम के कैप्सूल से एक नीम ऑयल बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे आप वीक में दो बार लगाएंगे तो आपकी जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्कैल्प में जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया है डैंड्रफ की वजह से, वो भी ठीक हो जाएगा। और कई बार डैंड्रफ की वजह से तो हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, तो इस नीम के कैप्सूल से आप ऑयल बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, आपको अगर बार बार सर्दी, जुकाम या फीवर की प्रॉब्लम है, तब भी आपको नीम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नीम एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो इसलिए आप इसके यूज से बार बार होने वाले सर्दी, जुकाम, फीवर से भी बच सकते हैं। नीम के पत्तों को उबाल कर उसे काढ़े के रूप में भी यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, नीम के पत्ते, तने, जड़, बीज सभी का यूज़ किया जाता है। ये सभी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आप लोगों को भी आज से ही अपने डाइट में नीम का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नीम कई तरह की बीमारियों में फ़ायदा दिलाता है। ये मौसमी वायरस और फ्लू से लड़ने में बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नीम फ्री रेडिकल से होने वाली जो भी बॉडी में प्रॉब्लम होती है उसे रोकता है। नीम में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जिससे स्किन में होने वाली प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, नीम की कैप्सूल को आपको एक दिन में दो कैप्सूल लेना होता है। आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कैप्सूल का प्राइस है 375 रुपीस। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।